हेलो व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं शाही मटन कोरमा। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। जिसके लिए हमने 1 kg मटन लिया है, 1 कप कर्ड दही, इसको हमने मलमल के कपड़े में रखकर टांग दिया था, जो कि इसका जो भी वाटर है वो निकल गया है। हमें इस तरह का दही चाहिए। 3 लार्ज साइज अनियन लिया था हमने, जिसको फ्राई कर लिया है। 1/2 कप आलमंड बादाम, इसको हमने पानी में सोक कर लिया है और इसी पानी से हम इसे ग्राइंड भी कर लेंगे। 3 टेबलस्पून कोरिएंडर लीव्स, हरी धनिया, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर यानी कि जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट। होल स्पाइसेस में हमने सिनेमन स्टिक, कार्डेमम, क्लोव एंड ग्रीन कार्डेमम लिया है। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और छोटी इलायची, हरी इलायची, 2 बे लीव्स, तेज पत्ता, 3 to 4 ग्रीन चिलीज, हरी मिर्च, 1 कप देसी घी, 4 टेबलस्पून क्योरा वाटर। अब सबसे पहले हम आलमंड को ग्राइंड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, हमने बादाम का पेस्ट बना लिया है। अब हम अनियन को भी ग्राइंड कर लेंगे, बट हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अनियन को भी हमने ग्राइंड कर लिया है, इसमें हमने पानी बिल्कुल नहीं डाला है। चलिए अब मटन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। मीट को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें सारे स्पाइसेस डाल देंगे। जो बादाम हमने पीसा था वो भी डाल लेंगे हम। दही भी डाल दिया है हमने, सॉल्ट भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह से मीट को हमने मैरिनेट कर लिया है। पैन हमने गर्म होने रख दिया, इसमें हम घी डाल देंगे। देसी घी ही यूज करें इसमें। हम इसमें होल स्पाइसेस डाल देंगे। ये देखिए, होल स्पाइसेस हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रीन चिल्ली भी डाल देंगे इसमें। सारे मसाले तो हम इसमें डाल ही चुके हैं, अब जो भी बचे हुए हम इसमें बाद में डालेंगे। अब इसे ढककर हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, पकना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसमें ग्राइंड किया हुआ अनियन भी डाल देंगे।
केवड़ा मटर डाल देंगे, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम यहाँ पर 3 ग्लास डालेंगे क्योंकि मटन को गलने के लिए वक्त लगता है, ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। अब हम इसे ढक के 15 मिनट तक और पका लेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम एक बार और इसे चेक कर लेते हैं। हम ढककर रख देते हैं, इसे आधा घंटा तो लगेगा गलने के लिए। फिर से इसे चेक कर लेते हैं हम। पहले 15 मिनट्स पकाया हमने, फिर से हमने इसे 15 मिनट्स पकाया। ये देखिए गल चुका है, अब ये रेडी है। इसमें हम कोरिएंडर लीव्स डाल लेंगे। ये रेडी है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये देखिए हमारा शाही मटन कोरमा बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है।